न्यू वीडियो. सो आई एम अभी एंड यू आर वॉचिंग आई एनियन बॉक्सर. सो लेट्स बिगिन अवर न्यू वीडियो. आज का प्रोडक्ट है वो है ये, तो आप देख सकते हैं ऊपर से अपने आप टपक चुका है. वो मेरे साथ कोई है नहीं तो मुझे खुद ही फेंकना पड़ा, खुद ही कैच करना पड़ा. तो फिर सो गाइस, जो हमारा आज का प्रोडक्ट है तो फिर गाइस आज का प्रोडक्ट जो है हमारा ये एक लैम्प है. तो ये कोई ऐसा वैसा लैम्प नहीं है, ये टच लैम्प विद ब्लूटूथ स्पीकर है. आप देख सकते हैं लिख भी रखा है टच लैम्प विद ब्लूटूथ स्पीकर, और फोटो भी काफ़ी बढ़िया सी बना रखी है. तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए हैं कुछ फीचर्स, ये आपको बता देता हूँ, फिर इसको अनबॉक्स करते हैं. तो इसमें आपको एक यू डिस्प्ले लगाने का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको SD कार्ड लगाने का पोर्ट मिल जाता है, 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, मतलब जो गाने वाने इसमें स्पीकर है ना, तो फिर आप गाने वाने बजाएंगे तो 5 आवर्स तक का आपको प्ले टाइम मिल जाता है. और इसमें आपको एक लाइट लैम्प वो नाइट लैम्प मिल जाता है. तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं. सो गाइस, तो ये देख सकते हैं आप, हमारे डिब्बा आ चुका है. तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. सो गाइस, हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, फटर को रखते हैं साइड में. तो आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर. तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो खोलेंगे तभी दिखाई देगा. तो चलिए इसको खोल लेते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं ये आपको काफ़ी बढ़िया ऊपर से दिख रहा है, स्पीकर टाइप का दिख रहा है. तो आप देख सकते हैं इस पर एडसन लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है नीचे ही. और आप देख सकते हैं ये हमारा मेन प्रोडक्ट है. आप देख सकते हैं काफ़ी आपको बढ़िया सा लुक मिल जाता है आपको इसका. आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाता है आपको इसका. प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और कहीं पे भी दाग धब्बा नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया जाली मिल जाती है आपको. और आप देख सकते हैं नीचे तो इन्होंने पूरा भर दिया है स्विच से, पूरे में स्विच ही स्विच आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, इससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं. लेकिन इससे टाइप सी केबल से मतलब आप फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते. अगर आपका नॉर्मल USB है तो आप उससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं इसमें लगा के. टाइप सी नहीं चलता है इससे, मैंने इसके डिब्बे पे देख लिया था. और इस पर लिखा है यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं. ये आपको ऑक्स केबल लगाने के लिए पोर्ट मिलता है, ये आपको इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ये आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है. और यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं. ये आपको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मिलता है, ये वॉल्यूम कम करने के लिए मिलता है. और इसी से आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, और इससे आप वीडियो पीछे, इससे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और इससे आप मोड बदल सकते हैं. अब मोड तो मुझे नहीं पता क्या है इसका, तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं. गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसका स्पीकर ऑन हो चुका है, और इसने कह दी ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो चुकी है. तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको ये मस्त सा मिल जाता है. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये हाथ में भी, कितना मस्त लग रहा है. तो देखते हैं टच कहाँ से चलता है इसका. तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी लाइट कम ज़्यादा तेज़ हल्की हो रही है, ये फुल ब्राइटनेस हो गई, ये बंद, ये हल्की सी, ये और तेज़, और ये इसकी फुल ब्राइटनेस है. आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट है ये, काफ़ी ब्राइट है ये. और मैं लाइट्स ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा मतलब दिखता है इससे, कितनी रोशनी दे देती है ये, इसकी वजह से कैमरा भी मतलब फोकस इसी पर कर रहा है. एलेक्सा लाइट्स ऑफ. ओह, दो लाइट है स्विच से ऑन, ये ऑफ हो गया. आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी रोशनी कर रहा है ये लैम्प है. इसको आप ऐसे लटका के ले जा भी सकते हैं लैम्प की तरह. तो गाइस ये मैंने स्विच ऑन कर लिया, थोड़ा डर लग रहा था अंधेरे में कौन रहेगा गाइस, अकेला हूँ वैसे भी मैं. अरे आप देख सकते हैं मोड चेंज हो चुका है इसका, एलेक्सा लाइट्स ऑन. और गाइस ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो लाइट्स वगैरह जो मतलब लाइट ये जो एलेक्सा ऑन ऑफ करती है ये खुद नहीं करती है, ये एक अलग से एक डिवाइस लगानी पड़ती है जो कि मैंने लगा रखी है, जिसके अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूँगा. अभी नहीं कर सकता मैं उसकी अनबॉक्सिंग क्योंकि वो लगा चुका हूँ. पहले मैं नई डिवाइस मंगाऊंगा, फिर मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा उसकी. तो चलिए पहले हम अपना लाइट्स नॉर्मल कर लेते हैं. आज ये ऊपर चालू हो गई है तो वाइट कर लेते हैं, प्योर लाइट्स वाइट नहीं हो रही है. तो लाइट तो गाइस सब लाइटें ऑन हो चुकी हैं, तब भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चल रही है ये लाइट. और कलर्स आपको इसमें कितने प्यारे मिल जाते हैं, और कितने बढ़िया करके इसके कलर चेंज होते हैं देख सकते हैं आप, और कितनी अच्छी खासी ये ब्राइट है.
ये आपको इसके मोड मिल जाते हैं, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये पिंक कलर की हो गई और ये आपको कैमरे में ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, ब्लिंक नहीं हो रही है, कैमरा फोकस कर रहा है इसलिए ब्लिंक होती हुई दिख रही है। इसको ऐसे करते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग मोड है। ये मोड मुझे सबसे मस्त लगता है, आप देख सकते हैं मतलब कितने प्यारे कलर से जलते हैं इसमें और कितने ब्राइट कलर से, आप देख सकते हैं और क्या बढ़िया को मतलब आपको क्वालिटी मिलती है इसकी और पूरा ऊपर तक चमकता है ये। आपको यहाँ पर वो जो दिख रहा है ये कैमरे की वजह से दिख रहा है, वैसे इसमें ऐसे कुछ नहीं दिखता है और कितना बढ़िया आपको ये लुक में मिल जाता है। तो चलिए अब इसका ब्लूटूथ स्पीकर भी बजा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। सो गाइस, तो मैं फ़ोन ला चुका हूँ और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अगर आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप कमेंट करें, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग की एक वीडियो बनाऊँगा। सो गाइस, पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं AD40 के नाम से आ रहा है ये, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका लाइट के साथ वो मतलब आवाज के हिसाब से इसका कलर्स भी मतलब होते हैं, बंद जलते हैं और बुझते हैं। आपको हम चला के दिखाते हैं, जैसे कि मैं कोई भी NCS का सॉन्ग अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए उस पर। बजाते हैं, वॉल्यूम फुल करते हैं। When you can start your career now without इसका वॉल्यूम यहाँ से और बढ़ा सकते हैं, अभी तो कम है, अभी देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, फुल हो गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसमें गाने के हिसाब से कलर्स भी चेंज होते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको स्पीकर मिल जाता है, इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। नहीं, काफ़ी बढ़िया तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब इसका साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, कोई नॉर्मल मतलब जैसे आप JioSaavn पर कोई गाना बजाएंगे और बहुत फुल साउंड करके अगर वो आपका गाना सुनेंगे तो हल्की सी आवाज़ इसकी फटने सी लगती है, तो फिर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है। NCS के सॉन्ग में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन नॉर्मल सॉन्ग में पता चलता है और आपको ये मिलता है ऐसे लटका के, आप लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लूटूथ स्पीकर प्लस लैम्प टच लैम्प। आप देख सकते हैं जैसे टच करो कलर चेंज करता है, ये काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको इसमें, काफ़ी बढ़िया भी मिलते हैं ये कलर्स आपको। सबसे बढ़िया कलर मुझे ये लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है ये कलर मैं अपने थंबनेल में लगा रखा है मैंने, काफ़ी बढ़िया लगता है ये। ऐसे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये लैम्प मोड में आ जाएगा, ये नॉर्मल, ये ब्राइट और ये सबसे ब्राइट, सबसे ब्राइट। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ब्राइटनेस तक मिलता है आपको। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी नई वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस, चलिए अपने आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को लाइक करना ना भूलें।